मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ, 5 साल यहाँ रह के आया जा रहा हूँ। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो पाए है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए, ये मेरा तो खास है, चलो कर देता हूँ, चक्कर में मत पड़ना भाई। अखबार में टीवी में आ जाए तो उसको फोन कर भाई बंद कर दो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। अभी तो मुझे सबकी सूची कौन जीत करके आए हैं कौन नहीं आए हैं सारी चीजें अभी तो देखना मेरा बाकी है, लेकिन इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है। और अगर सबका टोटल लगाएंगे तो शायद एक 5-50 एमपी रह जाएंगे जो मंत्री के लिस्ट में नहीं आएंगे। और ये सबसे बड़ा संकट होता है। फिर हमको भी कहना यार उस अखबार में आया है जरूर मेरा नंबर लगेगा। मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी मान लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं, ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था, यार राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया। यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो पाए है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है, न कोई पराया है, जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं।